तो आज कैनन इमेज क्लास MF 235 को हम ठीक करने वाले हैं। तो इसमें CCD का एरर है, और क्या एरर है, E225-0001 का एरर आ रहा है। और यहाँ पे देखिए, वेट करिए और अंत तक देखिए पूरा वीडियो, हम इसमें पूरा रिप्लेसमेंट बताएंगे। E202-0002, E225-0001 का एरर जो आता है वो आपको इसी टाइप का आता है, और ये इशू होता है सेम, ठीक है। तो ये तो केबल कनेक्टेड और मोटर नॉट वर्किंग से रिलेटेड होता है। जैसे कि आप बंद करके दोबारा चालू करोगे, अभी 225-0001 आ रहा था, ठीक है, लेकिन अभी इसमें 202-0002 आ रहा है, ठीक है। तो ये जो एरर होता है, केबल नॉट कनेक्टेड और ये CCD से रिलेटेड होता है। तो आप निश्चिंत रहिए, बिल्कुल यही एरर होता है। हम इस चीज़ को आज ठीक करेंगे इस पूरे कंप्लीट वीडियो में, तो अंत तक देखिए। तो चलिए हम रिप्लेस करना सीखते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर निकालेंगे, ये पहले से R&D हो चुकी है इस पर, देखिए यहाँ पे 202 का ही आ रहा है। तो अभी जो आ रहा है, मैं ऐड करके दिखा दूंगा आपको दोनों चीज़ें क्या होता है एग्जैक्टली, ठीक है। तो कृपया लास्ट तक देखते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बंद करते हैं, सबसे पहले यहाँ से हम ये सब निकालेंगे, ठीक है, ये यहाँ पे वो, उसके बाद से हम इसको निकालना होता है। ये देखिए, ये वाला हिस्सा साइड में कर देंगे, फिर ये दो पेज खोलेंगे यहाँ पे, उसके बाद से हम पूरा इस यूनिट को बाहर निकालेंगे। देखिए यहाँ पे कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं, ये देखिए, ये एरो दिया हुआ है यहाँ पे, तो हाँ, तो ये निकालने के लिए, और ये सामने, तो ये सब हम यहाँ से फ्लैट ड्राइव की मदद से हम खोल के निकालेंगे। तो पहले इस पर R&D हुई है, नहीं तो आपको यहाँ पे ट्वीज़र का इस्तेमाल करते हुए आसानी से रिप्लेस करना है, ठीक है। तो दो पेज हम यहाँ पे लगा होता है, एक इधर एक इधर, खोल लेंगे, फिर हम इस ग्लास को उठा के विद इन 10 मिनट हम रिप्लेस करके दिखा देंगे, ठीक है। तो देखिए ये ऑलरेडी खोला हुआ है, यहाँ पे ऐसे खुलता है, ठीक है। अगर ये आपके पास ट्वीज़र है तो ट्वीज़र का इस्तेमाल करके आसानी से खोल सकते हैं। तो देखिए ये ट्वीज़र है, जैसे कि यहाँ पे माइनस, यहाँ पे पॉइंट दिया है, ऐसे करना, ये आसानी से निकल जाता है, ठीक है। ये देखिए बिल्कुल मैंने निकाल दिया साइड में, ठीक है। अब बात करते हैं दूसरी, कि ये ग्लास को आपको सीधा स्ट्रेटली यहाँ पे ऊपर करना है और इसको निकाल देंगे, ठीक है, ग्लास को साइड रख देंगे, ठीक है, यहाँ पे साइड रख लेते हैं, टूटे ना, जिससे आपकी जो काम है डबल हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा CCD है, CCD को हम क्या करेंगे, यहाँ पे ऐसे निकालेंगे सबसे पहले, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये केबल लगा हुआ, उससे पहले यहाँ से निकाल लेते हैं, ठीक है। तो केबल हम देखेंगे, केबल हमारा बिल्कुल ओके है, कोई इशू नहीं है। तो हम CCD को सीधा यहाँ से निकाल लेते हैं, ऐसे करके ये निकल गया।